उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में आज दिनांक 5/8/2020 को बलिया में कोरोना संख्या वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया को कोरोना मुक्त करने के लिए जनपद में नोडल अधिकारी जनाब जी खान को बलिया भेजा। नोडल अधिकारी ने बलिया में कल दिनांक 4/8/2020 को पदभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने से जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों में एक आशा जगी कि अब बलिया कोरोना मुक्त हो जाएगा। आज मीडिया कर्मी ने CMO आवास पर नोडल अधिकारी से की वार्ता तो उन्होंने बड़ी बारीकी से कोरोना के बारे में कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे जमकर के जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। आज जांच कराने के बाद पॉजिटिव होने पर 14 दिन पूर्ण होने के बाद आदमी ठीक हो जा रहा है। इस तरह से जनपद बलिया में पूरा कोरोना का सफाया हो सकता है, पूरे भारत में कोरोना का सफाया हो सकता है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करते हुए कहा कि आज समय रहते इन्होंने जो कदम उठाया है, शायद इस तरह का कदम नहीं उठाने पर बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रदेश आभारी है कि ऐसे समय में इस तरह से डट करके जो कोरोना से मुकाबला किया, कोरोना मुक्त प्रदेश होने जा रहा है। यहाँ दुनिया में 1% भारत में कोरोना से मौत की संख्या हो बाकी है और देशों में काफ़ी संख्या है, जिससे भारत की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोरोना L1 फैसिलिटी बसंतपुर में, वहाँ का निरीक्षण करूँगा और खाने की भी व्यवस्था देखूँगा, साफ़ सफाई भी देखूँगा और लोगों से भी कहूँगा कि अपने भी लोग साफ़ रहें और जगह को भी साफ़ रखें। आइए सुनते हैं नोडल अधिकारी की ज़ुबानी। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज़ बलिया। दूसरी बात यह है कि जो क्वारंटाइन डेट हो रहा है, हाँ, वहाँ उनकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है। ये टेबल टेबल पे अगर आप खाना खा के झूठा छोड़ दिए, तो कौन बंदे खाया वो खिलाया। अब देखिए ऐसा है कि ये बीमारी मात्र 14 दिन की है, कोरोना की जो बीमारी है ये मात्र 14 दिन की है। मैंने कोई आदमी बीमार पड़े तो एवरेज उसका एवरेज जो रहना है उसको 14 दिन में ठीक हो जाए। और धीरे धीरे सारे CHC, PHC, जिला अस्पताल और कमांड कंट्रोल सेंटर्स में भी सबसे आगे, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग सेंसिटाइज हों और लोग आके बताएं अपना टेस्ट करें। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसको हम लोग बड़ा बता रही है, आप लोग बहुत सहयोग से जो है आपके नोडल अधिकारी हैं उनकी खुशी हुई है। अजीब चीज़ है कि यहाँ ऐसी गड़बड़ियाँ मिल रही है कि एक ही व्यक्ति को दो दो बार जो है पॉजिटिव बताया जा रहा है। वो नहीं जी, गलत का भी है आपको, तो दो टेस्ट है, एक एंटीजन टेस्ट है, दूसरा एंटीजन टेस्ट RT-PCR एक करेक्ट टेस्ट है। तो जो दोनों टेस्ट हो जा रहा है तो दो पॉजिटिव आ गया।